कर्नाटक में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार पर सवाल या निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन पर एक जमीन के कथित आवंटन को लेकर नाम जुड़ रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड यानी कि KIADB की एक साइट को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार के नेतृत्व वाले ट्रस्ट को आवंटित करने में पक्षपात का आरोप लगाया है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का परिवार सवालों के घेरे में गिर गया है। इस मामले में बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद लहर सिंह सिरोया ने खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को जमीन के कथित अलॉट पर सवाल खड़े किए हैं। सिरोया ने बयान में कहा है कि एक रिपोर्ट से पता चला है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के परिवार द्वारा संचालित ट्रस्ट को बेंगलुरु के पास हाईटेक डिफेंस एयरफोर्स पार्क में SC कोटे के तहत नागरिक सुविधाओं के लिए बोर्ड की 5 एकड़ जमीन, जो कि कुल 45.94 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तो वहीं इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी जो चाहे कह सकती है, लेकिन उन्हें लोगों को बताना होगा कि ये कैसे अवैध है और इसमें क्या अवैध है। ये एक CA यानी सिविक एमिनिटी साइट है, ये एक औद्योगिक भूखंड नहीं है, ये एक शैक्षिक चीज है। ट्रस्ट 2 दशकों से ज्यादा समय से वहाँ आया और शैक्षणिक संस्थान चला रहा है। सुनिए, the BJP can say what they want, but they also have to tell in front of the people, right? How is this illegal or what is illegal about it? Okay, it's a CA site. The half it BJP is not even able to understand. It is not an industrial plot meant for industry. It is not for profit. It's an educational thing. And very clearly, the trust which has been there for more than 2 decades have been running educational institutions, and that is what it is for. And CA sites, I am not sure if BJP knows the law of the land, CA sites are bought. They are not either auctioned, nor are they subsidized, nor has the trust asked for any deferred payment. तो वहीं पर बीजेपी किस तरह से हमलावर है, ये भी देखिए कि शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। कर्नाटका में खटाखट लूट मॉडल का एक और प्रमाण सामने आया है। मूडा स्कैम 5,000 करोड़ का हुआ और उसमें सिद्धरमैया परिवार लिप्त था। अब खड़गे परिवार का तथाकथित स्कैम सामने आ रहा है, जिसमें कि 5 एकड़ जमीन, जो 45 लगभग एकड़ दलित समाज के लिए रखी गई थी कि वो सिविक एम्यूनिटीज डेवलप कर सके, वो भी एक हाईटेक डिफेंस एरोस्पेस पार्क में बेंगलुरु में, वो लैंड, वो जमीन KIADB ने सिद्धाता विहारा ट्रस्ट, जो खड़गे फैमिली का ट्रस्ट है, उसे 1 साल में ही दे दिया सत्ता में आते ही। उस ट्रस्ट में पूरे के पूरे खड़गे परिवार के सदस्य भरे हुए हैं। राहुल खड़गे उसको हेड करते हैं, उनके सुपुत्र प्रियांक खड़गे भी उसमें हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये मिसयूज ऑफ पावर, क्या ये परिवारवाद और नेपोटिज्म नहीं है? इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने ये लैंड पार्सल उनको कैसे दे दिया? क्या और कोई SC समाज से यूथ या एंटरप्रेनर्स नहीं थे, उनके साथ अन्याय नहीं हुआ? ये खड़गे फैमिली एरोस्पेस एंटरप्रेनर्स कब से बन गए भाई? चौथा, लगातार स्कैम के बाद स्कैम सामने आ रहा है। मूडा स्कैम आ गया, वाल्मीकि स्कैम आ गया, इसके बाद इतना बड़ा घोटाला इस लैंड को लेकर सामने आ रहा है। RTI के डॉक्यूमेंट्स आ गए, पर राहुल गांधी, जो खुद नेशनल हेल्थ स्कैम में लिप्त है, वो एक शब्द नहीं बोलेंगे क्या इस पूरे विषय पर? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।